subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any update, cause whenever we upload a new video you will get a notification. Good morning students, Madhul Sheikh from Edurizen Private Limited. Today I have come up with a new video on next 2020. वेल आपने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जो कि ना नेक्स्ट के जो अपडेट्स आया अभी अभी तो उसके बारे में बात कर रहा होगा, बट मैं आपको ये जो वीडियो बताने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, देखते रहिए इसको लास्ट तक, और कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ का जानकारी पूरी मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट 2020 जो मैंने आपको पहले बोला था, जब NMC बिल 2019 में पास हो गया था उसी टाइम बोला गया था कि 3 साल के अंदर इसका लॉ बन जाएगा, ठीक है ना। और 3 साल के अंदर ही इसका अपडेट देखो रास्ता बनने शुरू हो गए, 2022 में ही इसका एग्जाम, पहला एग्जाम कंडक्ट होगा। तो कौन इसको लिखेगा? इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। इससे पहले क्या होता था, जो फॉरेन से पढ़ के आते थे चाहे कोई भी कंट्री हो उसमें उन बच्चों को ही एग्ज़ाम देना पड़ता था इंडिया में आके, इंडियन स्टूडेंट्स को एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। अब क्या है, अब ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है दोनों स्टूडेंट, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों को ही लिखना पड़ेगा, ओके। सो देयर इज नो एस्केप। कब होगा ये एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम होगा 2022, और इसमें क्या पैटर्न रहेगा, क्या पार्ट रहेगा? तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है इसका दो पार्ट रहेगा, एक होगा नेक्स्ट पार्ट वन, दूसरा नेक्स्ट पार्ट टू, दो पार्ट में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ओके। तो आइए एक बारी हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है, नेक्स्ट पार्ट वन के बारे में हम समझते हैं। उससे पहले हम आपको की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया जो कि ना आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट वन जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम का ड्यूरेशन 3 दिन होगा, पार्ट वन का जो एग्जाम होगा वो 3 दिन तक लगातार एग्जाम होगा। 540 जो है टोटल स्कोर होगा, प्री लंच एंड पोस्ट लंच दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, उसको मैं बताऊंगा उसके बारे में। जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा 50%, नॉट परसेंटाइल, 50% विल बी द क्वालिफाइंग स्कोर। जैसे अभी क्या है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम MCI स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, उसमें 300 नंबर का एग्जाम होता है, 150 मिला यू आर देयर। तो 50% पे ही इन्होंने रखा है कि 50% अगर मिला तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ओके। अगर ये एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे या क्वालिफाई हो पाएंगे तभी आप इंटर्नशिप कर पाएंगे। सो इफ यू पास नेक्स्ट वन देन ओनली आपका जो है इंटर्नशिप करने के लिए अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपको फिर से ये एग्जाम लिखा जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये एग्जाम पे ही डिसाइड होगा कि आपका PG का सीट कौन सा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अलग से कोई जो है नीट PG एग्जाम नहीं होने वाला है, सो इट विल रिप्लेस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एंड नीट PG, दो एग्जाम को एक एग्जाम रिप्लेस करने वाला है, ठीक है ना। इट मे रिप्लेस द फाइनल ईयर एग्जाम ऑफ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये कि ना एक प्रोपोजल स्टेज पे है, अभी तक ये चीज का कोई अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो प्रपोज दैट नेक्स्ट वन विल बी कंडक्टेड 1 ईयर अर्लियर। अब मैं बात करूंगा इसका पैटर्न के बारे में कि नेक्स्ट वन होगा कैसे। तो देखिए पैटर्न ऑफ नेक्स्ट एग्जाम क्या हो रहा है, नेक्स्ट वन टू बी प्रिसाइज, इन्होंने जैसे आपको मैंने बोला 3 दिन तक ये एग्जाम होगा, Day 1, Day 2, Day 3। तो 3 दिन का जो लगातार एग्जाम होगा ये टोटल 4.5 घंटे का एग्जाम होगा। एक तो होगा प्री लंच, एक होगा पोस्ट लंच। प्री लंच का जो एग्जाम होगा वो ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का, पोस्ट लंच का जो एग्जाम होगा वो 1.5 आवर्स का होगा। तो 4.5 घंटे का एवरीडे 3 दिन तक एग्जाम होगा। Day 1 में क्या एग्जाम होगा, मेडिसिन एंड अलाइड जिसका टोटल स्कोर रहेगा 120 प्लस पेडियाट्रिक्स जिसका टोटल स्कोर रहेगा 60। Day 2 में क्या एग्जाम होगा, सर्जरी एंड अलाइड जिसका टोटल स्कोर रहेगा 120 प्लस ENT 60। अब देखो अलाइड साइंस में क्या आता है, ऑर्थो आ जाता है, रेडियो आ जाता है, साइकियाट्री आ जाता है, एनेस्थेसिया आ जाता है। और Day 3 पे जो होगा वो होगा गाइनी एंड अलाइड एंड ऑप्थल्मोलॉजी
तो इसका जो टोटल स्कोर रहेगा गायनी एंड अलाइट का 120 एंड ऑप्थल्मोलॉजी का 60। तो ये रहा आपका टोटल 3 दिन का स्ट्रक्चर जैसे इन्होंने प्रपोज किया कि नेक्स्ट वन एग्जाम जो है 3 दिन तक होगा और जिसका टोटल स्कोर होगा 540। टोटल 4.5 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें प्री लंच 3 घंटे का, पोस्ट लंच 1.5 घंटे का, 50% आपका स्कोर होना चाहिए। आइए देखते थोड़ा और डिटेल के बारे में कि इन्होंने एक्चुअली क्या किया। इन्होंने जो थियोरी बेस्ड एग्जाम है ना, जो रट के जाते थे हम लोग, उसको पूरा रिप्लेस कर दिया प्रैक्टिकल बेस पे। टोटली अभी जो है ना इनका मूड जो है क्लिनिकल बेस पे होने वाला है कि दे आर पुटिंग अ मोर एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल बेस नॉट ऑन थियोरी बेस, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आपका क्लिनिकल शुरू होगा, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव सो दैट यू कैन कोरिलेट द प्रैक्टिकल थिंग विद द थियोरी विच यू हैव लर्नड इन योर क्लास और इन योर होम। तो आपको वो चीज को कोरिलेट करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। उसके साथ क्या है, देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने, 10% जो है अप्लाइड बेसिक साइंस, जिसमें आपका वो आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, जिसमें आपका उसमें भी ये है कि उसमें भी थ्योरी नहीं, उसमें भी प्रैक्टिकल पे ही उन्होंने फोकस किया। प्लस 10% ऑफ पब्लिक एंड प्रिवेंटिव साइंस, जिसको हम PSM बोलते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट को भी इन्होंने एडअप कर दिया कि इसका इंपॉर्टेंस भी आगे बढ़ जाएगा आपका नेक्स्ट वन एग्जाम में, राइट। अब बात करते हैं इसका पैटर्न का। पैटर्न में रहेगा क्या, 60% प्रॉब्लम सॉल्विंग, 30% कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस एंड 10% रिकॉल। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, मतलब इन्होंने कह दिया ओपनली कि भाई आप के सामने बुक भी रहेगा तब भी आप कुछ लिख नहीं पाएंगे जब तक अपना दिमाग, एनालिटिकल दिमाग आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चंस है वो प्योर प्रैक्टिकल बेस्ड है। आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसके आंसर ले पाएंगे। तो प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया इन्होंने इस पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट टू के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट टू बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया नहीं नेक्स्ट पार्ट टू के ऊपर, बट हाँ उसके ऊपर इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ किया है कि दिट विल बी अ प्रैक्टिकल एग्जाम, ओके, और इसमें सिर्फ पास और फेल रहेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है सिस्टम अभी, नेक्स्ट वन जो है वो आपका नीट पीजी का जो एग्जाम है और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो एग्जाम है उसको रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट वन अगर क्लियर करेंगे तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, नेक्स्ट वन अगर क्लियर करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपको इंटर्नशिप करने दिया जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट टू करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हम समझते हैं कि इन्होंने एक्चुअली प्रपोजल में रखा क्या, जो NB है, जो आपका NMC है, इनका प्रपोजल क्या है नेक्स्ट के बारे में। की पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर फॉर दिस वीडियो इज देयर इज नथिंग कन्फर्म्ड, एवरीथिंग इज एट अ प्रपोजल स्टेज, दे आर गिविंग मोर एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल और क्लिनिकल बेस्ड एजुकेशन, ओके। फॉर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स इट इज लाइक अ फाइनल ईयर एग्जाम आफ्टर, जैसे क्या होता है आपका फाइनल ईयर एग्जाम होने के बाद ही आप इंटर्नशिप कर सकते हो, अगर नेक्स्ट वन एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप इंटर्नशिप जो है कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ओके। फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्या होगा, आपको कोर्स करके आओ जहां से आप कर रहे हो, यूक्रेन, चाइना, जॉर्जिया, आर्मेनिया, नेपाल, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, वहां पे जो भी ड्यूरेशन है 5 है 6 साल है, वो ड्यूरेशन कोर्स जो है कंप्लीट करके आने के बाद आप नेक्स्ट वन लिखोगे, उसके बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो, उस इंटर्नशिप के बाद आप फिर नेक्स्ट टू लिखोगे और दोनों का स्कोर कंबाइंड होकर जो परसेंटाइल बनेगा उसके बेसिस पे आपको लाइसेंस मिलेगा, और नेक्स्ट वन के जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको PG में सीट मिलेगा। अब अगर नेक्स्ट वन की बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता दूं, MCQ बेस्ड होगा, 3 डे लॉन्ग एग्जाम होगा, टोटल स्कोर जो होगा वो अगर 540 होगा, ठीक है ना, प्री लंच एग्जाम जो होगा वो 3 दिन का जो होगा, उसमें प्री लंच और पोस्ट लंच में, तो प्री लंच 3 आवर का होगा, पोस्ट लंच 1.5 आवर का होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 50% चाहिए इसमें, परसेंटाइल नहीं परसेंटेज चाहिए, एंड इट विल डिसाइड योर PG सीट एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। नॉट क्वालिफाइड देयर विल बी नो स्कोप ऑफ इंटर्नशिप, ओके। सो क्या होता है, आप मान लीजिए अगर आप क्वालिफाई कर गए बट अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो हो सकता है आपको PG में सीट ना मिले, सो देयर विल बी अ स्कोप ऑफ रीराइट द एग्जाम। मैं समझा पाया शायद आपको कि अगर मान लीजिए आप
क्वालिफाई तो कर गए 50% ले आए, बट आपका डिजायर्ड जो ब्रांच है वो ब्रांच आपको नहीं मिला इंडिया में, तो आप इस एग्जाम को राइट कर सकते हो, ठीक है ना। दिस द प्रोपोजल इज सेइंग दैट द स्कोर मे वैलिड फॉर 2 to 3 years, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वन का समअप है। नेक्स्ट टू का फिर मैं बता रहा हूँ, इट विल बी अ पास और फेल एग्जाम, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है नहीं, और प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा। तो इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये नंबर दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस वीडियो का जो डेटा है मैं जहाँ से रिट्रीव किया है उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा जो हमारे वेबसाइट पे है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके जो पूरा आप पीडीएफ फाइल को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने इसको सिंप्लीफाइड वे से दिखाने का कोशिश किया या मेरे जो प्रयास है वो सही रहा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभी प्रपोजल स्टेज पे है। जब इसका फाइनल लॉ बन के आ जाएगा तब मैं फिर से ये वीडियो डालूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बड़ा सिंपल वे में प्रेजेंट करने के लिए। बहुत सारा स्टूडेंट्स हैं जो कि ना NMC बिल के बारे में नहीं जानता, आप इस चैनल में देख सकते हो। बहुत सारा स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं कि जो कि ना सोचते हैं कि सर अभी चाइना में एडमिशन करना है, यूक्रेन में करना है, जॉर्जिया में करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। ऑलवेज वी आर देयर, ऑलवेज वी विल बी देयर, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट टू डिसाइड यू द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया एंड अब्रॉड। स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं और जो एस्पायरेंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।